नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, 23 मई गुरुवार के दिन है पूर्णिमा। तमाम पूर्णिमाओं में वैशाख महीना की पूर्णिमा का महत्व अतिशय ज्यादा है और ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार इस पूनम पर 4 महासंयोग पड़ रहे हैं, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग, अभिजीत मुहूर्त भी जो दोपहर को है वो बहुत अच्छा है। अभिजीत मुहूर्त तो खैर रोज रहता ही है, लेकिन जो योग पढ़ रहे हैं वो सच में सराहनीय है। जब अच्छे अच्छे योग पढ़े किसी अच्छे दिन, तो समझो सब कुछ संभव हो जाता है, सब कुछ। जैसे मैं बताती हूँ ना कि अमुक दिन आप अमुक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उपवास रखते हैं, तो उस दिन किलक हट जाता है। जैसे काल रात्रि है, जो शिवरात्रि आती है, अमावस्या आती है, अष्टमी आती है, इन दिनों में जो भी बड़े बड़े मंत्र हैं उनके किलक हट जाते हैं। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें पता होगा कि उस पर भी किलक है ना। गायत्री मंत्र पर किलक है, जिन भी मंत्रों पर किलक है, ये जो अमुक डेज आते हैं इन दिनों में किलक ऑटोमेटिकली हट जाता है और जब हम उन मंत्रों का जाप करते हैं तो स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब पूनम है, कोई भी खास दिन आते हैं, तो उन दिनों में जैसे पूनम का दिन है तो लक्ष्मी नारायण की पूजा कर ही लेनी चाहिए बिना भूले। आज स्नान के पानी में गंगा जल अवश्य ही मिलाए। अगर गंगा जल ना हो तो फिर किसी भी शुद्ध नदी का जल स्नान के पानी में जरूर मिलाए। आज के दिन बिना भूले ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें। पूनम के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा, मतलब भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा, साथ में दोनों की पूजा एक साथ करनी चाहिए। पीले या लाल कपड़े के ऊपर दोनों की ही मूर्ति या फोटो की स्थापना करनी चाहिए। उस पर केसर का पानी छिड़कना चाहिए। अगर मूर्ति है तो केसर के पानी से आप स्नान करवाएं, केसर का ही तिलक लगाएं, भगवान के आगे घी का दिया अगरबत्ती लगाएं, लाल और पीले कलर के पुष्प लक्ष्मी नारायण को अर्पित करें। भगवान के सामने तुलसी या कमल गट्टे की माला से या फिर स्फटिक की माला से ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का मंत्र को कम से कम 108 बार जरूर बोले, मतलब एक माला का जाप तो अवश्य ही करें। आज के दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। जो भी प्रियजन है उन्हें बुला करके भगवान को आज पंजीरी का प्रसाद, सूजी का हलवा, फ्रूट, उन्हें पंचामृत अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से हमेशा घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। आज के दिन ओम नमो शक्ति नारायणाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करने से भी घर में कभी गरीबी नहीं आती। आज जहां पर भी भगवान शक्ति नारायण का मंदिर हो, अगर आप घर में पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो मंदिर में जाकर के 5 फलों का दान अवश्य ही करना चाहिए। भगवान को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आज बिना भूले तुलसी माता को घी का दीपक अर्पित करना चाहिए। आज पीपल की भी पूजा करनी चाहिए और सूर्य देव की पूजा बिना भूले करनी चाहिए। आज के दिन इन तमाम, जैसे सूर्य देव है, पीपल का पेड़ है, तुलसी का पौधा है, इन तमाम जगहों पर हल्दी वाला जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य बढ़ता है, माता लक्ष्मी की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। और आज के दिन का एक छोटा सा दोस्तों एक उपाय बताऊं, पूनम का दिन मतलब कि 15वीं तिथि आती है, 15वीं तिथि संपूर्ण तिथि, आज के दिन 15 रुपए 5-5 के 3 सिक्के आपको लेने हैं। तीनों सिक्के को आज रात आपको कच्चे दूध में डाल करके और उसको आपको छत में रख देना है, चांद की रोशनी में आपको रख देना है, घंटे 2 घंटे रखे रहने दें। अगर रख पॉसिबल हो तो पूरा रात, अगर आप रख सकते हैं तो पूरी रात आप उसको रख करके रखें।
जितने ज्यादा देर आप उसको चांद की रोशनी में रखेंगे वो उतना ही ज्यादा शीतल बनता है और घर में माता लक्ष्मी बहुत आसान तरीके से आती है। तो दूध में 3-5 के सिक्के डाल करके कुछ देर के लिए चांद की रोशनी में रखें, उसके बाद आप उसको नीचे उतार लें, स्वच्छ पानी से धो करके, गंगा जल से धो करके उसके ऊपर आप सिंदूर लगा दें, तीनों ही सिक्के के ऊपर सिंदूर लगाएं, उसे धूप देख दिखा दें, एक तुलसी का पत्ता, कुछ चावल और कपूर का टुकड़ा और एक लौंग और एक इलायची, इन तमाम चीज़ों को साथ में रख करके पीले कपड़े में इन तीनों सिक्कों को बांध करके आप धन स्थान में रखते हैं। कभी भी दोस्तों घर में धन की कमी नहीं होगी। अगर कभी आपको चलते फिरते रास्ते में कोई सिक्का मिल गया है 5 का, तो आज के दिन उसकी भी पूजा आप इसी तरीके से करके और धन स्थान में रखते हैं, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अपराजिता की जड़ अगर आज आपको कहीं से मिलती है तो उसे भी आज आप लेकर के आ सकते हैं, ला करके धो करके शाम मतलब संध्या समय धो करके स्वच्छ कर लें और उसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र से आप अभिमंत्रित कर लें और उसे लाल कपड़े में बांध करके धन स्थान में रख लें। ये जड़ भी हमेशा धन को खींचती रहती है। तो छोटे छोटे से उपाय अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण।